हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी का चीला। जिस चाहिए एक कटोरी सूजी, हम इसको एक घंटा पहले सोख करके रख देंगे ताकि अच्छे से सूजी फूल जाए। मैंने उसी कटोरी से जिसमें सूजी लिया था नाप के एक कटोरी पानी डाला है। कम लगेगा तो और डाल देंगे, क्योंकि सूजी गाढ़ा होता है ना, जब ये फूलता है तो और गाढ़ा होता है। हम थोड़ा सा और डाल देंगे इसको। देखिए मैंने डाल दिया, अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। मेरा सूजी फूल चुका है, देखिए पानी सारा सोख कर लिया है। ये मैंने अनियन और टमाटर और ये अदरक और हरा मिर्चा और हरा धनिया रखा है इसमें डालने के लिए। इन सबको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर की मदद से। बारीक काटना है इसीलिए मैंने चॉपर की मदद ली है। देखिए सारे कट गए। मैंने धनिया और अदरक को भी पहले से ही क्रश करके सारी चीज़ों को रखा था, बट फिर मैंने मिक्स कर दिया एक बार चॉप करके। अब मैं मिक्स कर दी हूँ सबको। थोड़ा पानी डाली हूँ, मैं लोहे के तवे पे बनाती हूँ, आयरन तवा पे, जो कि हेल्दी भी होता है और कम तेल में बन जाता है। मैंने सिर्फ ओनली एक चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हड्डी के लिए भी फायदे करता है। इसमें ऑयल फ्री मैं कह सकते हैं इसको मैंने बनाया है। मैं इसको ढक दी हूँ कि दोनों तरफ से पक जाए, नीचे से ब्राउन हो जाए ऊपर से पक जाए। यदि अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा तो नीचे से स्टिकी हो जाएगा चीला, तो थोड़ा धीमी आंच पे इसको पका लेना है। और ये फ्रेंड्स मतलब वेट लॉस है बिल्कुल, आप घर पे जो वेट लॉस के प्रोग्राम में है इसको डेली आप नाश्ते में ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक अपने से छूट गया। लोग नॉन स्टिक का तवा यूज़ करते हैं, बट मैं नॉन स्टिक का तवा बहुत कम यूज़ करती हूँ। आयरन पे आप यूज़ करिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जिस पे आप रोटी बनाते हैं। अब दोनों तरफ मैंने धीमी आंच पे, देखिए ब्राउन हो चुका है। इसके सामने सब फेल है, ऑमलेट भी फेल है। आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करिए, जो वेट लॉस प्रोग्राम में नहीं है वो भी खा सकते हैं नाश्ता में, बस ऑयल यूज़ कर लेंगे ज़्यादा। मैंने सिर्फ देसी घी एक चम्मच लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने घर पे बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। फ्रेंड्स ये मैं ग्रीन चटनी के साथ खाती हूँ, आप लोग भी बनाइए खाइए। थैंक यू।